हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मेरे पास आया है डिस्कवर 125। ये ओल्ड मॉडल का है। किसी दोस्त ने कमेंट करके पूछा है डिस्कवर 125 ओल्ड मॉडल का वायरिंग वीडियो चाहिए, तो आज इस वीडियो के जरिए से जो दोस्त काम सीख रहे हैं और जिसके पास 125 ओल्ड मॉडल का है, वो दोस्त के लिए ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टार्टिंग प्रॉब्लम आए तो कैसे सॉल्व करना चाहिए इसलिए, और मिस्त्री दोस्त को पता ही है एक एक वायर के बारे में। तो आइए फर्स्ट इसका जो प्रॉब्लम हो रहा है, करंट का प्रॉब्लम, वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये मैग्नेट से आ रहा है ये वायर, ये तो इधर सही है, ये सी डी भी सही है, ये जो एस टी देखिए इसमें भी वायर लगा हुआ है, देखिए आर्थिंग भी है। तो उसके बावजूद इसका जो करंट का प्रॉब्लम हो रहा है, अभी आपको एक किक दबा के दिखाने की कोशिश करो। इसका बैटरी सही नहीं है, देखिए करंट नहीं आ रहा है, थोड़ा भी करंट नहीं आ रहा है। तो करंट ना आने से कैसे चेक करना है, तो फर्स्ट आपको चेक करना है मैग्नेट से जो वायर आ रहा है। देखिए मैग्नेट से टोटल 7 वायर आता है, 7 वायर से कौन सा वायर किधर से आता है, कौन सा वायर कैसे चेक करना चाहिए, वो भी बताने वाला हूँ। और मैग्नेट से जो वायर सी डी ए में जाता है, इसमें भी कौन सा वायर किधर से आता है और कौन सा वायर का काम क्या है, वो भी बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, जरूर आपका काम आएगा। देखिए तो ये मैग्नेट से जो वायर आता है, ये 7 वायर, देखिए अभी ये 7 वायर को खोलता हूँ, खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ एक एक करके। देखिए ये वाला जो आ रहा है, ये न्यूट्रल लाइट के लिए आ रहा है। उसके बाद आपको इसमें 6 वायर देखने को मिलेगा। अभी ये जो 6 वायर आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो देखिए एक साइड में 3 वायर, ये जो फर्स्ट वायर व्हाइट और रेड, ये पिकअप कोयल का होता है। उसके बाद प्लेन रेड वायर, ये स्टार्टिंग कोयल का होता है, ये ओल मॉडल में स्टार्टिंग कोयल रहता है। उसके बाद जो वायर आ रहा है येलो और रेड, ये लाइट कोयल का होता है। उसके बाद आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए दूसरा साइड, ये ऑपोजिट साइड, एक ही कलर, सेम एक कलर आपको 2 वायर देखने को मिल रहा है। ये बैटरी चार्ज करने के लिए आता है। उसके बाद एक सिंगल वायर, ये ब्लैक, ये वाला आता है बॉडी आर्थ के लिए। तो अभी ये जो वायर, इसको कैसे चेक करना चाहिए अभी देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो वायर चेक करने के लिए, एक वायर के जरिए से ये चेक होगा। देखिए फर्स्ट आपको देखने की कोशिश करो, इसका जो स्टार्टिंग कॉइल का वायर रहता है प्लेन रेड वाला, ये जो वायर, ये रेड वायर को कैसे चेक करना है। रेड वायर को चेक करने के लिए इसमें एक वायर डाल रहा हूँ, देखिए वायर डाल रहा हूँ। अभी इसका बैटरी भी डेड है, इसलिए किक दबाने के टाइम इसमें करंट आना चाहिए। अभी वो भी दिखाता हूँ, किक दबाने से इसमें करंट आना चाहिए। देखिए इधर नहीं हो रहा, इधर से देखने की कोशिश करो, ये करंट आ रहा है, इधर तो करंट आ रहा है। उसके बाद ये स्टार्टिंग कोयल तो सही है। उसके बाद मेरे को चेक करना है ये जो पिकअप कोयल, ये पिकअप कोयल को चेक करना है। पिकअप कोयल चेक करने के लिए मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया हूँ, CD100SS का फुल वायरिंग, तो उसमें भी जिस तरह से चेक करना चाहिए पिकअप कोयल को, इसमें भी सेम उसी तरह ही चेक करना है। तो वो कैसे आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए रेड में वायर डाला हूँ, रेड में वायर डालने के बाद आपको एक चीज़ करना है, दूसरा वायर किक दबाने के टाइम जो पिकअप कॉइल का वायर होता है इसमें टच करना है। टच करने के टाइम इसमें करंट आना चाहिए, करंट आ रहा है तो पिकअप कॉइल भी सही है। अभी वो भी आपको दिखाता हूँ, देखिए इसमें करंट आ रहा है, इसमें थोड़ा करंट आता है, इसलिए अच्छा तरह से आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो करंट आ रहा है, आप इस तरह से चेक भी कर सकते हो, इसमें करंट आएगा, थोड़ा आएगा, तो ये पिकअप कॉइल भी सही है। उसके बाद जो लाइट कोयल होता है, बाइक का लाइट नहीं जल रहा है तो आपको ये जो लाइट कोयल का वायर येलो और रेड, इस वायर को चेक कर लेना है। इस वायर भी सेम प्रोसेस, इस तरह से एक वायर डालना है। डालने के बाद इधर किक दबाने के टाइम देखिए, इसमें थोड़ा किक दबाने से करंट आ रहा है, देखिए इसमें ज़ोर से आ रहा है, तो ये लाइट कोयल भी सही है। उसके बाद आपको चेक करना है बैटरी चार्जिंग के लिए जो 2 वायर होता है, ये जो 2, इसको चेक करना है। ये दोनों कापस में टच करने से करंट आना चाहिए, देखिए देखिए करंट आ रहा है,
तो इसका मतलब ये जो बैटरी चार्ज करने का वायर वो भी सही है। ये तो बॉडी अर्थ, उसके बाद ये न्यूट्रल लाइट, ये तो गए, करंट तो आ रहा है, उसके बावजूद ये स्टार्ट नहीं ले रहा है। और देखिए ये जो सेम दो कलर वायर ये आरआर यूनिट में भी गया है, आपको वो भी दिखाता हूँ। पहले इसको सेट कर लेता हूँ, देखिए ये तो सेट हो गया, और दूसरा न्यूट्रल लाइट का ये भी सेट हो गया। देखिए आपको ये आरआर यूनिट का वायर भी देखने को मिल रहा है, ये आरआर यूनिट का वायर, इसमें आपको अच्छा तरह से देखने को मिलेगा। देखिए येलो और रेड जो मैग्नेट से लाइट के लिए आता है, मैग्नेट कॉइल से, देखिए इसमें भी आया है आरआर यूनिट पे येलो और रेड वायर। और आउटपुट देखिए प्लेन येलो वायर ये आउटपुट हो रहा है, ये लाइट जलाने के लिए बाहर हो रहा है। देखिए ये व्हाइट वायर आप देख पा रहे हैं, ये भी आउटपुट, ये बैटरी चार्ज करने के लिए आउटपुट बाहर आ रहा है। और सेम दो वायर ये इनपुट आरआर यूनिट में आ रहा है बैटरी चार्ज करने के लिए, देखिए। और ब्लैक और येलो ये बॉडी अर्थ, तो इसमें ये जो आरआर यूनिट ये खराब होने से भी लाइट जलता नहीं है, तो उस टाइम भी आपको एक वायर के जरिए से इस तरह से बॉडी में टच करना है, प्लेन येलो में, प्लेन येलो में इस तरह एक वायर डालना है। अभी किक दबाने से इसमें करंट आना चाहिए, करंट आ रहा है, तो ये करंट आ रहा है, उस टाइम भी लाइट नहीं जल रहे, तो यहाँ से जो वायर लाइट तक जा रहा है स्विच तक, वो वायर को चेक कर लेना चाहिए। देखिए जो बैटरी चार्ज करने के लिए आउटपुट वायर, देखिए इसमें भी वायर इस तरह से एक डालना है, इस तरह से डाल के इधर ही बॉडी में टच करके देख लेना चाहिए। देखिए इसमें भी करंट आ रहा है, उसके बावजूद बैटरी ठीक तरह से चार्ज नहीं हो रहा है, तो ये रेगुलेटर भी चेक कर लेना चाहिए, इसमें करंट आ रहा है। तो दोस्तों ये जो इस वायर का जानकारी मैंने बताया, आपको फर्स्ट चेक करना है ये दो वायर को, दो वायर में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद ये बाकी जो वायर, इस वायर को चेक करना है, लाइट के लिए येलो को भी चेक करना है और प्लेन येलो को भी चेक करना है। उसके बाद स्टार्टिंग का इशू हो रहा है इस बाइक का, इसलिए मेरे को इसमें जो वायर आ रहा है इस वायर को चेक करना है, जो मैग्नेट से जो वायर आ रहा है इसमें सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये नहीं आएगा तो स्टार्ट नहीं लेगा। देखिए मैंने इधर जो रेड वायर उसमें करंट चेक किया हूँ, इसमें करंट आ रहा है जो स्टार्टिंग कॉइल का होता है, अभी इसमें भी सेम उसी प्रोसेस में चेक कर लेना चाहिए। देखिए इसमें भी करंट आ रहा है, उसका मतलब जो सी डी आई में इनपुट स्टार्टिंग कॉइल का वो तो हो रहा है। उसके बाद ये जो व्हाइट और रेड वायर, इस वायर को भी चेक करना है, ये पिकअप कॉइल का वायर होता है, तो इस वायर को भी चेक कैसे करना है, मैंने इधर जिस प्रोसेस में चेक किया हूँ इधर भी सेम प्रोसेस। देखिए रेड में एक वायर डाला हूँ, उसके बाद जो व्हाइट और रेड वायर किक दबाने के टाइम, नहीं तो सेल्फ देने के टाइम, थोड़ा इस तरह से टच करने से करंट आना चाहिए। अभी इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए इसमें तो आ रहा है, इसमें थोड़े करंट आता है, आपको अच्छे तरह से मैं देखा नहीं पा रहा हूँ। ये दो वायर तो गया, इसमें पिकअप कॉइल का वायर भी सही आ रहा है और स्टार्टिंग कॉइल का, बाकी जो चार वायर बाकी है ये कौन सा वायर किस लिए आता है, देखिए आपको एक ही साइड में प्लेन ब्लैक वायर देखने को मिलेगा। ये जो प्लेन ब्लैक, ये भी आउटपुट, और ब्लैक के साथ जो रेड ये भी आउटपुट, ये आउटपुट बाहर होता है एच टी कॉइल में, ये जो कॉइल हाई टेंशन कॉइल इसमें जाता है, ये आउटपुट, इसमें दो एच टी कॉइल लगा हुआ रहता है, इसलिए दो आउटपुट बाहर हो रहा है, दो एच टी कॉइल में जाता है। उसके बाद जो ब्लैक और येलो वायर आप देख पा रहे हैं, ये बॉडी अर्थ के लिए होता है। उसके बाद जो ब्लैक और व्हाइट वायर आप देख पा रहे हैं, ये इग्निशन स्विच से आता है, ये इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद ये स्टार्ट लेता है। अभी ये आपको चाबी
खो गया उस टाइम, इसको इस वायर को काट करने से भी बाइक स्टार्ट लेगा, तो इस वायर को भी चेक करना चाहिए आप, यहाँ से खोल के नहीं तो काट करके भी चेक कर सकते हो, ये जो ब्लैक और व्हाइट वायर को, यहाँ से काट करने से भी, चाबी ना होने से भी, चाबी आपके पास नहीं है उस टाइम इस वायर को काट काट कीजिए, काट करने से ये डायरेक्ट हो जाएगा और स्टार्ट भी लेगा। तो इस वायर का ये इग्निशन फ्यूज से आता है और दो आउटपुट, पहले मेरे को अभी सीडीआई में इस वायर को जोड़ देना है, इसमें तो करंट आ रहा है, जो दो वायर में करंट आना चाहिए वो करंट आ रहा है, और इसका जो इग्निशन स्विच वो भी तो सही है। मेरे को अभी ये जो आउटपुट बाहर हो रहा है प्लेन ब्लैक और ब्लैक के साथ रेड, उस वायर को चेक कर लेना है। देखिए इसमें एक वायर डाला हूँ, डालने के बाद अभी इसमें करंट आना चाहिए, देखिए इसमें भी करंट नहीं आ रहा है, करंट नहीं आ रहा है। दूसरा जो आउटपुट बाहर होता है ब्लैक और रेड, उस वायर को भी चेक कर लेना है। देखिए इसमें एक वायर डाला हूँ, अभी इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये करंट ये तो नहीं आ रहा है, उसका मतलब इस बाइक का जो प्रॉब्लम है सीडीआई का प्रॉब्लम है। दोस्तों स्टार्टिंग का प्रॉब्लम हो तो मैंने जैसे देखने की कोशिश की ऐसे ही चेक कीजिए, इस बाइक का भी सीडीआई भी चेंज करना है और इसका पार्ट नंबर भी आपको 17 से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए DS 1110 43 इसका पार्ट नंबर आप देख पा रहे हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो के जरिए से आपको जितना जानकारी बताने की कोशिश की और जिस तरह चेक करने की बात बताई वो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और आप मेरे चैनल में पहले बार आए हो तो ज़रूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हम इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे। आज इतना ही बस, ओके बाय दोस्तों।